नमस्कार, मैं माला स्वागत करती हूँ अपने पहले ब्लॉग में। आप सोचते होंगे कि इस चैनल में तो अभी तक रेसिपी दिखाई जाती थी। जी हाँ, अब मैं इसके साथ ब्लॉग भी जोड़ने जा रही हूँ। मुझे खाना बनाने के साथ साथ नई नई जगहों का भी एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो दोस्तों ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और जो हमारी जर्नी है वो नैनीताल और मुक्तेश्वर की है, जहाँ मैं एक्सप्लोर करके जो जो चीज़ें नॉलेजेबल वाली होंगी, अच्छी होंगी, मैं आपके साथ शेयर करती हुई चलूंगी। अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है नैनीताल जाने के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड रास्ते में हैं और निकल गए हैं, और रास्ते में मैं आपको जो भी चीजें होंगी, नॉलेजेबल हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं वहाँ पे, मैं आपको बताते हुए चलूंगी, अपनी जर्नी की चीजें रास्ते में शेयर करती हुई चलूंगी। चाय नहीं है, लाइट नहीं है ना। अच्छा, लाइट ही नहीं है। ओके, और लिमका लोगे? हाँ, फिर लिमका ले लेते हैं, और क्या ही करेंगे। फिर चलते हैं, चाय नहीं है तो क्या ही करेंगे। चाय तो मिली नहीं यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं और कहीं जगह पे जाके चाय। यहाँ हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, बाजपुर नाम है, बाजपुर। ये यहाँ से जो नैनीताल है वो 65 किलोमीटर है। सुबह से चले हुए हैं हम लोग, 7 बजे से निकले हैं, क्योंकि आज संडे था तो रस नहीं मिलना, और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी पेट में प्रॉब्लम होने की वजह से, थोड़ा लेट निकले हैं। तो यहाँ से 65 किलोमीटर, ये पहली जगह रुके थे वहाँ तो मेरे को चाय चाहिए थी तो नहीं मिला, क्योंकि लाइट नहीं थी वहाँ पे। जो रेस्टोरेंट था मैंने आपको दिखाया भी है। अब यहाँ तो खाना ऑर्डर किया है तो दाल चावल ही खाऊंगी मैं। दोस्तों जर्नी में अगर कुछ पेट में प्रॉब्लम होती है तो हल्का खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि अब निकले हैं तो घूमेंगे ही, और हमारी वजह से और कोऑपरेट करने में लगे हुए हैं ये। अब मैं जो खा रही हूँ ये भी मेरे साथ साथ वही खा रहे हैं, ज़्यादा कुछ कह रहे हैं कि नहीं मंगाना है, मैं भी वही खा दूंगा। एक रोटी मंगाई है इन्होंने साथ में। ही इज वेटिंग फॉर फूड, अचार ही खा रहे हैं। कैसा लग रहा है अचार? बहुत टेस्टी है। अच्छा, वो वेटिंग के बाद मिल रहा है ना, वहाँ पहले उसमें तो कुछ भी नहीं मिला आपको, है ना? भूख लग गई है ना। क्या है ये, क्या मंगवाया आपने? लाइम सोडा है, बहुत टेस्टी है। लाइम सोडा है, इसमें नमक वगैरह भी है ना? स्वीट एंड सॉल्ट है। स्वीट एंड सॉल्ट, अच्छा टेस्ट है ना। तो सब अचार ही खाए जा रहे हो? अचार के साथ। लाइम सोडा अचार के साथ, वाह, ऐसी डिश नहीं खाई होगी आपने कभी। दोस्तों देख लीजिए, एक नई डिश का इन्वेंशन हुआ है, लाइम सोडा विद अचार। कैसा लग रहा है खाना? बहुत टेस्टी है ना। ये भी मेरे चक्कर में कुछ नहीं मंगाया इन्होंने, कहा अकेले अकेले खाने का मन नहीं कर रहा। मैं भी एक रोटी मंगाई है इन्होंने, और वो सब्जी, मिक्स सब्जी और दाल है। 2000 years later.
समर वाले हैं वो अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून तक यहाँ पे काफी क्राउड रहता है, और जिनको आइस देखनी होती है, बर्फ देखनी होती है, स्नोफॉल देखनी होती है, वो दिसंबर से जनवरी फेब तक का रहता है। हेलो दोस्तों, हम नैनीताल पहुँच गए हैं और आपका मैं स्वागत करती हूँ नैनीताल में, अपने खुद का भी स्वागत करती हूँ नैनीताल में। ये देखिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिस होटल में हम रुकने जा रहे हैं। तो आज एक दिन का यहाँ पे बुकिंग है, कल हम मुक्तेश्वर धाम के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ के मैं आसपास या जो भी इसके नज़ारे हैं, होटल्स हैं, मैं आपको सारा दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर जगह पे है ये, काफ़ी ऊंचाई पे है। ये देखिए, चलिए चलते हैं होटल के अंदर। देखिए जी, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। सच में दिल्ली से आए हैं तो और भी ज्यादा फील हो रही है ये चीज। ये काउंटर है, ये देखिए। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी हैं, बट वी आर गोइंग बाय लिफ्ट। नैनी झील के लिए हम जा रहे हैं, वहाँ पे बोटिंग देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। माल रोड है तो थोड़ा बहुत माल रोड पे घूमेंगे, और नैनी झील में देखेंगे। बोटिंग का समय रहेगा तो बोटिंग भी करेंगे, और मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी भी। ये नैनीताल जो है 1845 में इसकी खोज हुई है, और नैनीताल को जो तालों का एक तरह से मतलब सम्राट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ताल हैं। एक नैनीताल को छोड़ के और भी ताल हैं, जैसे खुरपा ताल है, नौकुचिया ताल है, भीम ताल है, सात ताल है, इस तरह से बहुत सारे ताल हैं। यहाँ पे रानी खेत भी है, जो एप्पल गार्डन है, वहाँ पे आप इतनी सुंदर सुंदर एप्पल के पेड़ देख सकते हैं, उनको छू के देख सकते हैं, घूम सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे केव गार्डन है, जो जहाँ पे पहले एनिमल रहते थे, पैंथर केव है, टाइगर केव है, लेकिन अब वहाँ एनिमल नहीं रहते हैं, वहाँ पे वैकेंट हो गया है पूरा। बड़ा नेहरू सा अंदर गुफाएं बनी हुई हैं, तो लोगों को वहाँ पे एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलता है, वो अंदर गुफाओं में जाते हैं। कहीं कहीं तो एकदम लेट के जाना पड़ता है, बहुत ही रोमांचक है। यहीं से टाइम नैनीताल में बहुत रस है, बहुत रस। संडे का टाइम है, मंडे को भी छुट्टी है, इस करके बहुत रस है। वीकेंड में तो यहाँ बहुत ही रस रहता है। ये देखिए हम नैनी झील के पास पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं। ये मेन रोड से ये नीचे की तरफ का रास्ता है। ये देखिए, ये ऊपर मेन रोड है, ये नीचे का रास्ता है। तो हम नीचे के रास्ते से चल रहे हैं, और
बस 8-10 कदम की दूरी पे जो यहाँ की सबसे फेमस झील है, नैनी झील है, उस पर हम बोटिंग करेंगे। और आसपास यहाँ पर नैना मंदिर भी है, नैना देवी का मंदिर, और मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, और कहते हैं कि पास में ही चर्च भी है। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग कितने प्यार से मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है ये सारी, ये आगे आगे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। देखिए झील में कितनी बोटिंग हो रही है, पूरा झील फुल है। दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं, फ्लाइट से भी पहुँच सकते हैं, और बस से भी पहुँच सकते हैं। जो ट्रेन आती है वो काठगोदाम नाम है रेलवे स्टेशन का, वहाँ से 16 किलोमीटर पड़ता है, ये 16-17 के बीच में पड़ता है। और बस से भी आप जो बस तो डायरेक्ट नैनीताल में ही उतारती है, और जो फ्लाइट है उसका जो एयरपोर्ट का है वो पंतनगर है, तो आप उससे भी आ सकते हैं। चलिए देखिए नैनी झील दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए आप कितनी, पूरा झील फुल है इस टाइम, ऐसा इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि झील ने टोपियां पहनी हुई है छोटी छोटी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रही है। लोग बहुत हैं, संडे है, संडे का दिन है, बहुत छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, मंडे पर बुद्ध पूर्णिमा है, इस करके यहाँ बहुत क्राउड है, बहुत ही क्राउड, टू मच। इतनी वेटिंग में हमें अपने होटल से यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लग गया, जबकि पास में ही है होटल। मेरी जर्नी को कवर करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों अगले वीडियो और अगले ब्लॉग में घूमिए मेरे साथ पूरा नैनीताल।